बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी के निधन ने सभी को चौंका कर रख दिया है। 68 साल के मिथिलेश चतुर्वेदी हार्ट की बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गए। उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है। मिथिलेश के यूं अचानक चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। मिथिलेश चतुर्वेदी दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1997 में आई फिल्म भाई भाई से किया था। उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ कोई मिल गया, सनी देओल के साथ गदर एक प्रेम कथा, मनोज बाजपेयी के साथ सत्या, बंटी और बबली जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। साल 2020 में आई सीरीज स्कैम 1992 से अपना डिजिटल डेब्यू किया था। इसके अलावा वो थिएटर में भी काफी एक्टिव थे। उन्होंने प्रेम तिवारी, बंसी कॉल, दीनानाथ, उर्मिल थपलियाल और अनुपम खेर के डायरेक्ट किए हुए नाटकों में काम किया था। आपको बता दें कि मिथिलेश अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद उन्हें उसूल सीरियल मिला था। इसके बाद वो न्याय सीरियल में नजर आए थे। मिथिलेश ने करीब 25 साल तक लखनऊ में सरकारी नौकरी भी की थी। मुंबई में फिल्मी करियर बनाने के लिए उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी ली थी। उन्हें कई विज्ञापनों और टीवी शोज जैसे भाभी जी घर पर है, पटियाला बेब्स और स्कैम 1992 में देखा गया था। इसमें उन्होंने राम जेठमलानी की भूमिका निभाई थी। उनकी आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।